सभी को नमस्कार। मैं प्रोफेसर केपी सिंह, वाइस चांसलर चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, अपने विश्वविद्यालय की तरफ से, मैं अपनी तरफ से महाराजा सूरजमल संस्थान की तरफ से आयोजित इस लेक्चर में जितने भी ऑनलाइन व्यूअर्स हैं उन सबको नमस्कार कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस कोरोना काल में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे अपने परिवार के सहित। आज मेरा आने का विशेष कारण है और कारण है कि महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट की तरफ से ये एक ऑनलाइन लेक्चर आयोजित किया गया है और इस लेक्चर में हम का टाइटल भी माइग्रेंट लेबर्स पे है और जयचंद चरण सिंह जी की विचारधारा, उनके कॉन्सेप्ट, उनके विजन को हम मौजूदा परिप्रेक्ष्य में जानने का, चर्चा करने का ध्यान करेंगे। इस हेतु मेरा आवा यहाँ पे आज लाइव लेक्चर के रूप में मैं आया हूँ। सबसे पहले तो मैं महाराजा सूरजमल संस्थान के जितने भी लोग हैं, डॉक्टर हरीश जी, डॉक्टर जेपी सिंह जी, वहाँ की प्रबंध समिति, वहाँ के जितने भी डायरेक्टर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, उन सब लोगों को अपनी तरफ से शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसा एक प्लेटफॉर्म चुना है। क्योंकि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय चौधरी चरण सिंह जी के नाम से है और कृषि का विश्वविद्यालय है पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के नाम पे है, तो जब भी चौधरी साहब के विजन, मिशन, कृतित्व, व्यक्तित्व की बात होती है तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय इसको अपने सबसे निकटस्थ पाता है। आप सब लोगों को मित्रों पता ही है कि हम लोग एक कोविड एरा में जी रहे हैं। कोरोना इंड्यूस्ड ये डिजीज है जिसने लगभग 70 लाख लोगों को प्रभावित किया है और 4 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत दुनिया भर में हुई है। भारतवर्ष में भी इसके करीब 2,36,000 के करीब पेशेंट हो गए, 6,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी। बड़ा विशिष्ट प्रकार का ये वायरस है और सबसे ज़्यादा गंभीरता इस वायरस की ये है। हालांकि मैं अपनी तरफ से ऐसा दावा नहीं करता, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं, क्योंकि इस वायरस के अगेंस्ट कोई इम्यूनिटी डेवलपमेंट का जो काम है वो बहुत स्लो है, पेशेंट्स में इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती, इसलिए इशारा करता है कि ये एक मैन मेड वायरस है जो वुहान में चीन से शुरू हुआ, इसलिए और ज्यादा खतरनाक है। और खतरनाक इस सेंस में है कि अगर ये मैनमेड है तो इस तरह की महामारियों का दौर भविष्य में भी चलने की संभावना है। जिस तरह का एक अंतर्राष्ट्रीय कंपिटिटिव एटमॉस्फेयर बना है, परोक्ष वार, परोक्ष युद्ध, परोक्ष इकोनॉमिक वॉर कहें या एक दूसरे से आगे निकलने की जो होड़ है, उसमें इस तरह की चीज़ों का उपयोग होने की संभावना भविष्य में भी है। इसलिए ऐसे समय में हम लोग एक बार अपने अतीत में भी झांकें, अपने वर्तमान को भी देखें और अपने भविष्य की तरफ भी चिंतित हों, ऐसा हम लोगों का विचार होना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि हम सब लोग जब ऐसे समय में रह रहे हैं तो इन सब की चिंता जरूर करते हैं। कोविड-19 के बारे में चाहे वो केंद्र सरकारें हो, चाहे प्रदेश की सरकारें, बहुत एक सही निर्णय के साथ वो आगे बढ़े हैं और उनका निर्णय यही था कि इसकी रफ्तार को हम भारतवर्ष में रोकें, क्योंकि आपको पता है कि हम दुनिया का सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री हैं
और क्योंकि इसने पश्चिम देशों को जिस तरह से परेशान किया, चीन को भी परेशान किया, इसलिए हमारे यहाँ इसका खतरा बहुत बड़ा था और अभी भी बहुत बड़ा है। इसलिए सरकार का बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव रोल होने का कारण जस्टिफाइड है कि निश्चित रूप से सरकार को प्रोएक्टिव होकर काम करना चाहिए था, और हमारी केंद्र की सरकार ने भी, प्रदेश की सरकारों ने भी प्रोएक्टिव होकर काम किया, सही समय पे लॉकडाउन और बाकी सारी चीज़ें की, जिससे इसकी रफ्तार रुकी है। और इस बीच हम लोगों ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे हमारी टेस्टिंग फैसिलिटी है, चाहे हमारे सेल्फ प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट्स हैं, चाहे दवाइयां हैं, चाहे दूसरे मीजर्स हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, बेड्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, ऑक्सीजन डिवाइसेस हैं, जो भी ज़रूरत का सामान था, उस बीच हम लोगों ने जुटाया है। और आज बड़े हिम्मत के साथ, चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे प्रदेशों की सरकार हो, वो बड़े विश्वास से दम्भ भर रही है कि हम इस समस्या से पार पाएंगे, इससे निपटेंगे। उसका कारण ये है कि समय से सब चीज़ें की गई, लेकिन जब भी कोई आपदा आती है वो अपने परिणाम भी लाती है, अच्छे बुरे परिणाम, दोनों तरह के परिणाम आते हैं। और ये आपदा क्योंकि एक ऐसी आपदा है कि जिसको हमने भी अपने जीवन काल में नहीं देखा, और हमसे वरिष्ठ लोग भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमने भी अपने जीवन काल में इस तरह की समस्या को नहीं देखा, कि जहाँ आदमी का आदमी से इंटरेक्शन बंद हुआ है, उसकी सोशल जिंदगी बदली है, और इस बदलाव के कारण, लॉकडाउन के कारण, मूवमेंट के कारण, क्योंकि प्रकृति इस तरह की थी बीमारी की, देखने में आया कि हमारा सारा सेक्टर, चाहे वो ऑटोमोबाइल का सेक्टर हो, चाहे वो टेक्सटाइल का सेक्टर हो, चाहे वो फूड कमोडिटी का सेक्टर हो, चाहे वो मशीनरी प्रिपरेशन का सेक्टर हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर है, वो पूरी तरह से प्रभावित हुआ। और न केवल पूरी तरह से प्रभावित हुआ, प्रोडक्शन बंद हुआ है, फैक्ट्रियां बंद हुई हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रुकी है, इकोनॉमिक बहुत डाउन चली गई। मोटा मोटा सा अनुमान है कि भारत को 9 लाख करोड़ का, ये प्रारंभिक अनुमान है, 9 लाख करोड़ का घाटा रहेगा इसकी वजह से। ये घाटा बड़ा भी हो सकता है, और इन सब वजह है का कारण एक ही है कि अचानक एक ऐसी आपदा आई जिसके बारे में हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था। हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था, ये एक आम आदमी की भाषा है, लेकिन जो विजनरी बड़ी सोच के लोग होते हैं, चाहे वो अतीत में रहे हों, चाहे वर्तमान में, चाहे भविष्य में हों, वो ज़रूर बहुत आगे का सोच के चलते हैं। और आगे का सोच के चलने के बाद जो कहते हैं ना कि जो आपका यंत्र, जो आपका उपकरण, जो आपका व्यक्ति समय पे सही काम आए, यानी समय पे अपनी उपयोगिता सिद्ध करे, वही टेस्टेड है, वही अच्छा है, वही फुल प्रूफ है। तो ये एक आपदा का समय है, और इस आपदा के समय में टेस्टिंग भी हो रही है, परीक्षण भी हो रहा है। कौन सा सेक्टर है, ध्यान में आता है कि कई सेक्टर हैं पूरी तरह से, मैन्युफैक्चरिंग से सेक्टर है पूरी तरह से डूब गया है, रियल एस्टेट का सेक्टर है पूरी तरह से रुका है, मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है पूरी तरह से रुका है, आईटी का सेक्टर है, डिजिटल सेक्टर है, ये चल भी रहा है, थोड़ी ग्रोथ भी पकड़ रहा है, नए नए आयाम भी पकड़ रहा है। लेकिन अगर इस सारी प्रक्रिया में हम देखें, कौन सा सेक्टर ऐसा है जिसने अपनी प्रामाणिकता, प्रासंगिकता, सार्वभौमिकता को सिद्ध किया है, तो वो कृषि का क्षेत्र है। हम सब लोगों को पता है कि कृषि में इनपुट्स भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, और साधन भी चाहिए। अचानक से लॉकडाउन आया और हमारी फसल का समय है, और एक फसल एक ऐसी कमोडिटी है कि इंसान तो वार्तालाप भी कर लेता है, पशु होता है तो वो भी अपनी भाषा में कुछ ना कुछ आवाज निकाल लेता है, बोल लेता है, लेकिन फसलें तो कुछ भी नहीं बोलती, उनका कम्युनिकेशन तो खाली किसान से ही होता है। और हमें पता है कि उसमें किसी का
कोई इंतजार नहीं कर सकता। फसल अगर खेत में पकी है तो किसी का इंतजार नहीं कर सकती, उसको पानी की जरूरत है तो वो इंतजार नहीं कर सकती, उसको खाद की जरूरत है तो इंतजार नहीं कर सकती, उसको इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की जरूरत है तो वो इंतजार नहीं कर सकती, उसको वो चीज़ समय पे चाहिए। इस बात को हम लोगों को ध्यान में है और ऐसा हम सब लोग मानते हैं। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि इतने बुरे वक्त में भी हमारे किसान ने इन सब चीज़ों को इंश्योर किया, सारी पाबंदियों के बाद इन सब चीज़ों को इंश्योर किया, और इंश्योर किया ही नहीं, पिछले साल के मुकाबले में प्रोडक्शन को बढ़ाया है। हमारे जो एस्टिमेट्स आए हैं उस एस्टिमेट्स के हिसाब से हमारा उत्पादन बढ़ा है, और उत्पादन बढ़ने का सारा श्रेय अगर किसी को जाएगा तो निश्चित रूप से किसान को जाएगा। आखिर किसान क्यों सरवाइव किया? सारे सेक्टर डूब रहे थे तो किसान क्यों सरवाइव किया? उसने प्रोडक्शन को कैसे मेंटेन किया? उसके लिए भी तो कर्फ्यू लग गया था, उसके लिए भी तो लॉकडाउन था, उसके लिए भी तो बिजली विभाग बंद था, उसके लिए भी सिंचाई विभाग बंद था, उसके लिए भी डॉक्टर्स बंद थे, उसके लिए भी सारी क्षमताएँ बंद थी, बावजूद इसके वो सर्वाइव किया। सर्वाइव करने का कारण क्या है? किसान की ट्रेनिंग। बुरे वक्त, अच्छा समय हो, बुरा समय हो, कैसा भी समय हो, उसका कमिटमेंट, उसका जोश, उसकी मेहनत, उसकी न थकने वाली प्रकृति जो भगवान ने उसको विशेष रूप से दी, उसके कारण से किसान न केवल जिंदा रहा बल्कि उसने सिद्ध किया कि ये सेक्टर एक फॉर एवर सेक्टर है। चाहे कितनी भी बुरा किसी भी तरह का क्राइसिस आए, कैसी भी आपदा आए, ये वो सेक्टर है कि जो देश को मजबूती देने वाला सेक्टर है। और इस सेक्टर से जुड़े हुए व्यक्ति के विचारों की आज हम चर्चा करने की, उनकी प्रासंगिकता ढूंढने की बात, किसानों के सबसे बड़े वकील, सबसे बड़े हितैषी, सबसे बड़े मसीहा अगर कहे जाते हैं तो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी कहे जाते हैं। और उनकी सोच, उनके विचार, उनका ओरिजिनेशन अलग अलग लोगों के माध्यम से हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो बहुत कई लेवल्स पे ऐसा माना गया है कि उनके विचारों की प्रासंगिकता हमेशा बनी रही, विशेष रूप से गांव किसान और खेत के लिए। आज COVID-19 ने सब कुछ तहस नहस किया, सारी चीज़ें खराब की है, लेकिन बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी COVID-19 लेके आया, अपॉर्चुनिटी लेके आया हमें रीथिंक करने का, दोबारा सोचने का, नए इनोवेशंस करने का, नई तरह से लाइफ स्टाइल जीने का, नए प्रोडक्ट बनाने का, नई जिंदगी शुरू करने का एक ऐसा माध्यम भी लेके आया जिसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। अगर हम जॉय साहब की बात करें तो मैं ज़रूर कोट करना चाहूँगा, आप सब लोगों ने भी पढ़ी होगी, बड़ी मशहूर किताब है, इंडियाज़ इकोनॉमी पॉलिसी, द गांधीयन ब्लूप्रिंट 1978 में किताब पब्लिश हुई। और आप सोचिए कि 1978 में आज भी वही प्रश्न है, 1978 में भी वही प्रश्न है जिनका जवाब जॉय साहब देते थे। उन्होंने इसमें किसान को डिफाइन किया, कौन है किसान, छोटा किसान कौन है, मझला किसान कौन है, बड़ा किसान कौन है। आज भी वही डेफिनेशन की बात चल रही, विच वन इज द मार्जिनल फार्मर, विच वन इज द स्मॉल फार्मर, आज भी वही बात चल रही। और डिफाइन करने के बाद उसके संसाधन, उसके तौर तरीके, उसके काम करने का तरीका, उन सबको भी डिफाइन करने की बात हो रही। उस बुक में कई चीज़ों को डिफाइन किया, और ध्यान में आता है कि ऐसे बुरे क्राइसिस में, इतने खराब समय में, जब सब लॉकडाउन है, सब कुछ है, एक तबका ऐसा भी है जो सारी बंदिशों को तोड़ के अपने घर पहुंचना चाहता है, और वो तबका है मजदूर तबका। आप देखे होंगे, आपने उदाहरण सुने होंगे, टीवी पे भी देखा हो, न्यूज में भी देखा हो, अखबार में भी पढ़ा हो, कर्फ्यू लगा है, जगह जगह बंदिश है, फिर भी कहता है 4000